खाली है ना यार, उधर रखने का फायदा वो दिख भी नहीं रहा हूं मैं ला रहा हां। तो जो सामने टेबल पे नहीं आ जाएगा, मैं चला जाऊं, मैं जाता हूं, तुम यहां पे सब कुछ सजा दो भाई। मैं नहीं हूं इस वीडियो में। एक और थूक मार ले सर पे। सर पे सही लग रहा है। अगर तुम लड़की होते तो तुम शादी कर लेते मेरे से इन बालों में। नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तेरे सी लड़की नहीं चाहिए। Hey lads, what's up? Welcome back to Team Aero's channel. और आज की वीडियो में यार हम लोग finally, I think मैं 8-9 महीने से इस टीम के अंदर हूँ and this is the first time that I get to do a tech related video. इससे पहले मुझे पता नहीं बर्गर खिलाते रहे हैं और उसके अलावा मुझे गटर में डालते रहे हैं, तो ये पहली दफा मैं अपने टाइप का काम कर रहा हूँ and I'm really excited. So this is a gaming PC जो कि हम Aero House के लिए build कर रहे हैं. If you guys don't know what Aero House is, you should definitely go and visit our channel. ये अपनी चैनल पे लगी ना, you are at our channel. But before we begin, here's a quick word from our sponsors, BuyersPK.com. They are one of the most trusted sellers in entire Lahore gaming PC community. So if you want to build a PC, you can go ahead and check them out. Links are given in the description below. Alright, so now let's talk about the... Alright, so first of all, let's talk about the processor that we'll be using. So this is the Ryzen 5 5600X और ये processor हमें brand new मिला है. Let's open this processor for the first time. यहाँ पे हम इसकी brand new, ओए यार, ये जो satisfaction सर आपको मिलती है ना brand new product खोलने की. So यहाँ पे हमें सबसे पहले मिलेगी हमारी processor की chipset. This is the Ryzen 5 5600X, as I said before. अच्छा, Ryzen processors में ना यार एक चीज होती है जो कि मुझे बड़े गलत तरीके से पता चली थी. इसके नीचे जो pins होती है ना, आपको इनको नहीं touch करना चाहिए क्योंकि they are very delicate. If you touch them और ये bend हो जाती हैं तो आपका processor dead हो सकता है. सबसे पहली बात तो आपने इसको नीचे से touch नहीं करना. दूसरी बात है कि आपने इनको उछाल के फेंकना नहीं, क्योंकि उससे भी बहुत मसले होते हैं. If you guys follow me, you know what I'm talking about. तो इसको अभी के लिए यहाँ पे side पे safely रख देते हैं. उसके बाद box के अंदर हमें मिलता है छोटी सी कुछ booklets जो कि अगर मैंने पढ़नी होती तो मैं university ना छोड़ता. Fuck them. यहाँ पे मिलेगा हमें एक स्टॉक कूलर और इनकी बिल्ड में यार ये लोग बाय द वे सिर्फ स्टॉक कूलर ही यूज करने वाले हैं, जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान की गर्मी के लिहाज से आपको जरा कम पड़ जाएगा. तो लेटर ऑन यू कैन यू नो अपग्रेड टू अ बेटर पीसी. और इसके नीचे ऑलरेडी थर्मल पेस्ट अप्लाई हुई होती है, सो टच वगैरह ना करना. अब हम आते हैं अपने कॉम्पोनेंट नंबर 2 के ऊपर, विच इज गोइंग टू बी दी SS RAMs, sorry. तो हमारे पास है Corsair Vengeance Pro RGB RAM. और इसमें यार सबसे जो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इनको CL16 की RAM मिल गई है जो कि यूजुअली मिलती नहीं होती. पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो इनको बायर्स पीके ने अरेंज करके दे रही थी. सो इसके भी बॉक्स में हमें सबसे पहले मिली है Corsair की एक वारंटी बुकलेट और सेफ्टी इन्फॉर्मेशन ब्ला ब्ला ब्ला. और यहाँ पे यार ओए 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 यार, I love these RAM. मैं कसम से अपने पीसी में भी ये लगाने का सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ हो रहा है मुझे यार, अजीब सा. इसको नहीं हाथ लगा सकता अभी यार. लोगों नहीं होता ऐसे कभी, वो जब टेबल के ऊपर या कागज के ऊपर ऐसे हाथ फेरो तो मुझे भी नहीं होता. Is it just me? हुआ कुछ इन दोनों रैम्स को? एक सेकंड, इसके ऊपर इसको ऐसे यूं रब कर. नहीं हो रहा कुछ यार, बहुत अजीब है. ना कर भाई, पागल ना हो यार. इट कांट जस्ट बी मी. मुझे पता है कि लोगों को उलझन होती है इन चीज़ों से. ये लोग पता नहीं, ये इस दुनिया के लोग नहीं है, लेकिन दीवार पे हाथ फेरना और कागज़ पे भाई. तो इसको मैं एज इट इज ऐसे ही उठा के यहाँ पे रख देता हूँ. That's it. तो ये है हमारी जी गेमिंग रैम. और मैं बताना भूल गया था, ये हम यूज कर रहे हैं 2x8GB. That means के 8GB की दो स्टिक्स हमारे पास और टोटल 16GB की रैम हम यूज करने वाले हैं. फेयर इनफ, आज के दौर में 16GB is pretty good. प्रोडक्ट नंबर 3 जो कि हम यूज करने वाले हैं, ये है हमारे पास. तुम्हारे पैसे नहीं इस्तेमाल है, तुम चोर ही हो गए हो. तो ये है हमारे पास 512GB की SSD. हाईक्विजन की आती है और ये सेटा SSD है जिसकी राइट स्पीड इज नॉट दैट गुड, लेकिन स्टिल अ लॉट बेटर देन नॉर्मल HDDs. यहाँ पे हम इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं. और हमारे जो बीरल वाले भाई हैं वो नीचे बैठे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, आपको इसकी शॉट शायद ना मिले, लेकिन ओके. यार सब कुछ ठीक था इसमें, ये अजीब सा जो इन्होंने यहाँ पे ये लोगो इस्तेमाल किया है ना, आग लगाई हुई है भाई, अच्छा नहीं लगा मुझे, लेकिन ओवरऑल इट सीम्स प्रीटी फाइन. ऑलराइट, सो फोर्थ प्रोडक्ट हमारे पास आता है हमारा मदरबोर्ड, विच इज गोइंग टू बी दी MSI B450 Tomahawk Max 2. बहुत लंबे नाम है इन चीजों के.
ओके सो मदरबोर्ड की यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम देखें कि हमें अंदर क्या मिलता है इसके। ऑलराइट, तो ये हार्ड ड्राइव और हार्ड डिस्क और ब्ला 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 स्टिकर दिए, वो हमें थोड़ी सी कुछ सेटा केबल्स मिल जाती हैं इसमें, आईओ शील्ड है और ये हैं हमारे M.2 के स्क्रूज जो कि हम यूज नहीं करने। ओके सो लेट्स टेक अ लुक एट आवर मदरबोर्ड। यहाँ पे इसको पक्की बातें खोल दूं। यू श्योर? ये लो ब्रो, इसको एज इट इज ऐसे सील कर देना, जब कभी बेचना हो गया ना, नेवर यूज। मस्त प्लानिंग। All right. यार मदरबोर्ड की जो लुक है ये काफी प्यारी आ रही है इसके अंदर, लेकिन अच्छा है वैसे, बुरा नहीं है। मैं असल में कंपेयर करूँ ना अपने वाले के साथ, तो यार मेरा तो फिर मेरा मदरबोर्ड है। नहीं ऑनेस्टली द मदरबोर्ड लुक्स रियली स्लीक है। यहाँ पे आपको बीरल वाले भाई दिखा रहे होंगे। All right, now let's talk about the fifth and the most important product. अब यार देखो सीन ये है कि इस डब्बे के अंदर ना वैसे है तो कुछ भी नहीं, तुम इसको साइड फेंक दे। जीपीयू हमने यहाँ पे हमारे पास नीचे की तरफ रखा हुआ है। द रीजन इज कि हमारे पास ऑलरेडी एक 2060 पड़ा हुआ था, क्योंकि भाई आजकल जीपीयू की प्राइसेस तो बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है। सो वी आर रीयूजिंग एन ओल्ड जीपीयू, लेकिन इंशाल्लाह इन द फ्यूचर आई थिंक कार्सोविक विल अपग्रेड इट टू 3050 एंड 3060। बट एनीवेज फॉर नाउ वी विल बी यूजिंग द RTX 2060। ये ज़ोटेक का एक डुअल फैन वेरिएंट है, और आई थिंक जो हमने गेमिंग करनी होती है वैलोरेंट और बेसिक गेम्स, उसके लिए ये मोर देन एनफ है। ऑलराइट, तो अभी तक हमने अपने सारे जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में बात कर ली है, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या वो PSU होगी जो इस पूरे सिस्टम को पावर कर रही होगी। एंड दिस इज गोइंग टू बी द XPG पाइलॉन ब्रॉन्ज रेटेड 550 वाट PSU। अगर आपको एक बजट फ्रेंडली PSU चाहिए जो कि आपको अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस दे, आई थिंक XPG की जो पाइलॉन सीरीज है दे डू अ प्रीटी ऑसम जॉब। सो लेट्स ओपन दिस राइट नाउ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है एक इसकी जो पावर कॉर्ड होती है, ये जहर है कार्सोवे के, तुम खा लो। अच्छा इस PSU के अंदर हमें यहाँ पे कुछ स्टिकर्स ही मिलते हैं, तो कार्सो भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो गए आप अपने PC को XPG के नाम से ब्रांड करना चाहो तो यू कैन डू दैट। लेट्स टॉक अबाउट द PSU यूनिट इटसेल्फ। तो दिखने में तो यार ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके PC में तो ये वैसे भी श्राउड के अंदर छुपने वाली है। लेकिन यार इट्स अ डिसेंट वन। अगर ये मॉड्यूलर होती पावर सप्लाई तो तुम्हारा PC की केबल मैनेजमेंट बेहतर हो सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं। आई थिंक जिस बजट में ये लोग जाना चाह रहे थे दिस इज द बेस्ट PSU यूनिट दैट यू कैन गेट। अब यार हम बात करते हैं हमारी केसिंग के बारे में, जो कि हमारे डेरियस भाई हमारे लिए बड़ी मुशक्कत करके लेके आ रहे हैं। तो यार तुम्हें कोई मसला है तुम्हें में? So यार दिस इज द क्या है ये यार, ये थंडर वालों की आती है, सुप्रीम नेक्स्ट लेवल। वैसे आई एम नॉट अ फैन ऑफ थंडर, लेकिन चलो यार इनकी एक बात है कि ये सस्ते में आपको काफी अच्छी केसिंग्स प्रोवाइड कर देते हैं। बट इसका नाम क्या है? थंडर सुप्रीम नेक्स्ट लेवल। ओके लेट्स गो। यार इसके लिए तो हमें अब खड़ा ही होना पड़ेगा। मैं आपको कैमरे के फ्रेम से बाहर देख रहा हूँ ना, लेकिन कोई बात नहीं। ओके सो दिस इज द केसिंग दैट यू आर लुकिंग एट। यार यहाँ पे आपको कैमरे के अंदर एटलीस्ट केसिंग नजर आ रही है, मैं नहीं देख रहा, लेकिन कोई बात नहीं। इस केसिंग के अंदर यार हमें ठीक है सामने एक व्हाइट कलर की फ्रंट पे मैश पैनल मिलती है, टॉप पे हमें एक डस्ट का फिल्टर मिल जाता है, सो दैट्स प्रीटी गुड। और उसके अलावा इस केसिंग के अंदर सामने आपको तीन फैंस इंक्लूडेड मिलते हैं, एंड एट द बैक देयर इज एन एग्जॉस्ट फैन एज वेल। यार ये चीज एटलीस्ट इनकी अच्छी बात है कि उन्होंने आपको फैंस ऑलरेडी दे दिए हैं। उसके अलावा यहाँ पे आई गेस यहाँ पे एक डोर मैकेनिज्म है मैग्नेटिक, सो दिस इज गुड। थोड़ा सा फ्लिमजी है, हिलता है, लेकिन आई गेस द वाइट क्वालिटी अच्छी है। साइड पर ग्लास टेम्पर्ड है, हाँ ग्लास टेम्पर्ड है, तो ओके दैट्स गुड। PSU शॉर्ट ही मिल जाता है, तो ये भी एक अच्छी चीज है इसकी आई गेस। बाकी नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउट ऑफ द ब्लू। अच्छा उसके अलावा इसको उठा के हम ये इसकी बटन्स की साउंड सुना देते हैं ऑडियंस को, ये जरा अच्छी लगेगी। चला जा। Alright, so now that we have discussed every component, it's time to build the PC. अब build करते हैं, मिलेगा थोड़ा सा time, तो आप ये B-roll देख सकते हैं, एक cinematic सा, and I'll see you guys.